नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम चर्चा करेंगे अक्षर क यानी के अल्फाबेट की, क्योंकि हम आपको नित्य रूप से बता रहे हैं कि अक्षर का प्रभाव भी हमारी जीवन शैली पर बहुत अधिक पड़ता है। इसके साथ साथ हम अक्षरों की भी नित्य रूप से चर्चा कर रहे हैं, तो आज हम चर्चा करेंगे के अल्फाबेट की। तो जान लीजिए के अल्फाबेट वाले लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है। अगर हम बात करें ऐसे लोगों की, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा काइंड होते हैं, बहुत दयालु होते हैं। आपको लगेगा इनका स्वभाव क्रोधी है, मगर क्रोधी नहीं होते। अगर आप इनसे बात करते हैं, इनके साथ रहते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। इसके साथ साथ ऐसे लोग जो होते हैं क्रोधी ना होकर, ऐसे जो के वाले लोग होते हैं वो ज़िद्दी होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं क्रोधी ना होकर ज़िद्दी होते हैं, जिसके कारणवश इनको अपने जीवन में बहुत सारे नुकसानों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये अपने ज़िद में आकर के अगर कुछ गलत काम भी इनको पता होगा कि है, तो ये वो भी कर देते हैं सिर्फ अपनी ज़िद के कारणवश। इसलिए ऐसे लोगों को नुकसान भी अधिक होता है। ऐसे लोग जो होते हैं, अगर हम इनकी बात करें प्रोफेशनल लाइफ की, प्रोफेशनलिज्म इनके अंदर कूट कूट के भरा होता है। पैसे कमाने की इच्छा रखते हैं और कहीं ना कहीं आगे बढ़ते रहने का प्रयास ज़रूर करते हैं। अगर हम के अल्फाबेट की बात कर रहे हैं, तो के अल्फाबेट वाले आपको बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन दिखेंगे, और इसके साथ साथ इंडस्ट्री में भी के अल्फाबेट वाले आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे जो कि काफ़ी अच्छे लेवल पे भी पहुँचे हैं। अगर हम बात करें इनके रिलेशनशिप की, रोमांस की, तो इनकी जो पर्सनल लाइफ होती है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है एज़ कम्पेयर टू देयर प्रोफेशनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ में अपने आप को पूरी तरह से इन्वॉल्व कर लेते हैं कि अपने पर्सनल लाइफ पे ये ध्यान ही नहीं दे पाते, जिसके कारणवश इनके अपने इनसे नाराज़ हो जाते हैं। और इसके साथ साथ इनके अगर लव रिलेशनशिप की हम बात करें, तो कहीं ना कहीं ये एक व्यक्ति पर टिकने वाले लोग नहीं होते, क्योंकि जब तक इनको इनका मन चाहा, जो इनके दिल को पसंद आए, ऐसा व्यक्ति नहीं मिल जाता, ऐसा जीवन साथी नहीं मिल जाता, तब तक ये कंटिन्यू सर्च करते रहते हैं। इनको उम्मीद रहती है कि मुझे कोई ना कोई एक अच्छा व्यक्ति मेरे जीवन साथी के रूप में मिल जाए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इनके फाइनेंस की, तो फाइनेंशियल स्टेटस इनका बहुत अच्छा होता है, और ऐसे लोग पहनने ओढ़ने में बहुत ज़्यादा होते हैं, साथ साथ खाने पीने में, घूमने फिरने में, सोशल लाइफ का इनको बहुत शौक होता है। इसी कारणवश इनको पार्टियों में जाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, पार्टी करना बहुत पसंद होता है ऐसे लोगों को। इसके साथ साथ ऐसे लोग जो होते हैं रोमांटिक होते हैं, इन्जॉयफुल होते हैं और काइंड भी होते हैं। अगर इनको कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति मिल जाता है, तो ये बिना सोचे समझे उसकी मदद ज़रूर कर देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ विषय आपको पसंद आया होगा। अंत में अगर मैं उपाय की बात करूँ, तो उपाय क्या करना है, उपाय करना है आपको अपने उल्टे हाथ में हरे रंग का धागा बांध के रखें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, या फिर अपने पास ज़रूर रखें, आपके लिए वो भी बहुत ही लाभकारी रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ विषय आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार, जय श्री राधे।